दिस इज बकास अली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम एक्सेल के थ्रू एडवांस एनालिटिक्स परफॉर्म कर रहे हैं और आज हम एनालाइज करेंगे चेन ऑफ सुपर स्टोर को, लाइक इम्तियाज, चेज अप, चेज वैल्यू एंड अदर सुपर स्टोर। हमारे पास जो आज डेटा है उसमें हमारे पास थ्री टेबल्स हैं। द फर्स्ट टेबल इज द ऑर्डर टेबल, द सेकेंड टेबल इज द टेबल ऑफ द पीपल हु आर सुपरवाइजर ऑफ द रीजन, और जो हमारे पास थर्ड टेबल है वो आइटम रिटर्न्स का टेबल है कि जो हमारे ऑर्डर्स जो हैं वो रिटर्न हुए। सबसे पहले तो हम अपने जो ट्यूपल का जो टेबल है और जो हमारे पास रिटर्न्स का जो टेबल है उसको हम ऑर्डर्स के साथ मर्ज कर लेते हैं। मर्ज हम कैसे कर सकते हैं? मर्जिंग करने को हम वी लुकअप भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं कॉलम का नाम लिख लूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ट्यूपल एंड द सेकेंड कॉलम इज द रिटर्न कॉलम। किस तरीके से हम वी लुकअप लगाएंगे? आपने देखा कि हमारे पास जो पीपल के कॉलम में है वो रीजन गिवन है और पर्सन के नेम गिवन है, यानी कि सुपरवाइजर के नेम गिवन है, और रिटर्न्स के जो हमारे पास जो टेबल है इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर आईडी गिवन है और रिटर्न हुआ है, सिर्फ जो आइटम रिटर्न हुए हैं वही गिवन है, उसके अलावा जो आइटम रिटर्न नहीं हुआ वो गिवन नहीं है। तो ये डाटा थोड़ा सा स्मॉल है। हमारे पास ऑर्डर के टेबल में भी रीजन का कॉलम अवेलेबल है। आप देख सकते हैं हमारे पास रीजन का कॉलम यहाँ पे अवेलेबल है और हमारे पास ऑर्डर आईडी का भी कॉलम अवेलेबल है। तो हम दोनों टेबल्स को कंबाइन कर सकते हैं। हम क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे पास टेबल है तो हमारे पास काम करना आसान होगा। हम ये कहेंगे कि लुकअप करो, किस वैल्यू को लुकअप करना है आपने, सॉरी वी लुकअप, लुकअप करें आप रीजन के वैल्यू। अब क्योंकि टेबल है तो मैं रीजन जो है वो टेबल के नाम देकर लिख सकता हूँ। मेरा जो टेबल है इस टेबल का नाम है ऑर्डर, तो मैं लिखूंगा ऑर्डर के अंदर मेरे पास एक कॉलम है, हम लोग टेबल को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमारे पास जो कॉलम है उसका नाम है रीजन। यहाँ पे हमें रीजन है, आप टाइप भी कर सकते हैं और डबल क्लिक भी कर सकते हैं। रीजन के कॉलम की हर सिंगल वैल्यू को, हर रॉ में सिंगल वैल्यू को आप जो है वो चेक करें। उसके बाद हमारे पास जो टेबल है वो है हमारे पास ट्यूपल का टेबल। हम देखते हैं हमारे पास ट्यूपल का टेबल अवेलेबल है और ट्यूपल के टेबल में मैंने कहा कि मुझे सेकेंड कॉलम चाहिए। सेकेंड कॉलम में ट्यूपल के नाम लिखे हुए हैं और मैंने कहा मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो एग्जैक्ट मैच करने के लिए अगर आपने अप्रोक्सीमेट मैच करना है तो आप ट्रू लिखेंगे, अगर आपने एग्जैक्ट मैच करना है तो आप फॉल्स लिखेंगे। तो हुआ क्या, मैंने कहा कि मुझे ऑर्डर के टेबल में रीजन की जो वैल्यू है उसको कंपेयर करो प्यूपल के टेबल के में, जो कि उसके ऑब्वियसली फर्स्ट कॉलम को ये चेक कर रहा होगा, और मुझे सेकंड कॉलम रिटर्न करो लाके एग्जैक्ट मैच को। तो देखें ये मुझे एग्जैक्ट मैच लाके इसने दे दिया। इसने क्या करा, रीजन हमारे रीजन को देखा, हमारे रीजन से इस रीजन को कंपेयर किया और उस रीजन में जो सेकंड कॉलम था यानी कि ये कॉलम, इसमें जो भी पर्सन के नेम लिखे हैं उसने वहां पे जाके इसको मर्ज कर दिया। सिमिलरली हम रिटर्न के कॉलम में भी करते हैं तो और आइडिया क्लियर हो जाएगा। हम लिखते हैं वी लुकअप। वी लुकअप में मैं कहूंगा कि मुझे जो है ऑर्डर टेबल यानी कि जो टेबल हमारा ये है, इस टेबल में मैंने किस वैल्यू को देखना है, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे मुझे देखना है ऑर्डर आईडी को, क्योंकि हमारे पास जो टेबल गिवन है रिटर्न का टेबल जो गिवन है उसमें भी मेरे पास ऑर्डर आईडी है। फिर मैंने कहा मुझे रिटर्न का टेबल चाहिए। आप रिटर्न का टेबल ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप सिर्फ यहाँ पे रिटर्न्स लिख दें। रिटर्न्स लिख देंगे, रिटर्न लिखने के बाद ऑब्वियसली वो फर्स्ट जो सिलेक्शन होती है उस कॉलम को चेक कर रहा होता है, और मैंने कहा हमारी ऑर्डर आईडी को रिटर्न के टेबल की ऑर्डर आईडी से मैच करना और जहां पे आंसर मैच हो जाए वो हमें लाके दे देना, और हमें कौन सा कॉलम चाहिए, सेकंड कॉलम। तो मैं यहां पे लिखूंगा टू और यहां पे लिखूंगा फॉल्स कि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। अब देखते हैं, अब देखिए हमारे पास कहीं पे तो ट्रू आ रहा है लेकिन बाकी जगह पे एरर आ रहा है। वो एरर इस वजह से आ रहा है कि जो हमारे पास रिटर्न का टेबल है उधर सिर्फ वही आईडीज अवेलेबल हैं जहां पे हमारा आइटम रिटर्न हुआ है, लेकिन वो आईडीज अवेलेबल नहीं है जहां पे आइटम हमारा रिटर्न नहीं हुआ, एक्सेप्ट हो गया। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। मैं लिख देता हूं शुरू में इफ एरर्स यानी कि अगर कोई एरर आ जाए तो मुझे क्या रिटर्न करना, उस जगह पे फॉल्स रिटर्न करना। तो अब देखें ये मुझे क्या रिटर्न करेगा वहां पे, फॉल्स। तो जहां पे आइटम रिटर्न नहीं हुआ वहां पे फॉल्स आ रहा है, जहां पे आइटम रिटर्न हो गया वहां पे ट्रू आ गया। ये तो हमने कर लिया कि हमने थ्री टेबल्स को जो है वो मर्ज कर लिया और सिंगल टेबल बना लिया, इससे हमारे एनालिसिस करना आसान हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे एक शीट ऐड करता हूँ और इनिशियल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। वो हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे ऑर्डर की मिनिमम डेट क्या है, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे पास कितने सालों का डाटा है। ठीक है, मिनिमम ऑर्डर डेट और
मैक्सिमम ऑर्डर टाइम। तो आई वॉन्ट टू सी कि मेरे पास कितने ईयर्स का डाटा है। तो हम कैसे करेंगे, अब आपको जब आपके पास टेबल हो तो आपको उस टेबल में जाने की जरूरत नहीं है, आप टेबल का नाम लिखें ऑर्डर, और ऑर्डर के अंदर हमारे पास ऑर्डर डेट का कॉलम अवेलेबल है, इसको हम देख लेते हैं। और यहाँ पे क्योंकि मिनिमम वैल्यू चेक करनी है तो मैं मिनिमम लिख देता हूँ। तो ये डेट कॉलम में आप कन्वर्ट कर लें, होम पे जाके, होम पे जाएंगे आपके पास डेटा टाइप आ रही होगी और आप इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर लें। सिमिलरली आप मैक्सिमम डेट भी निकाल सकते हैं, इसको ड्रैग करें, जहाँ पे आपका मिनिमम लिखा हुआ है वहाँ पे आप मैक्सिमम लिख दें। तो मेरे पास 2014 से लेके जनवरी 2014 से लेके दिसंबर 2017 का, यानी कि 5 इयर्स का डाटा है, 2014, 15, 16, 17, सॉरी 4 इयर्स का डाटा है हमारे पास। अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना आया इन 4 इयर्स में, मैं इनिशियल एनालिसिस में ये देख सकता हूँ टोटल प्रॉफिट। अब ये हमारे एनालिसिस जो है वो आगे जाके एडवांस होते जाएंगे। अभी आप देखेंगे टोटल सेल्स कितनी है और हमारे पास एवरेज या हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन कितना है, मार्जिन। तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हमारे पास ऑर्डर के टेबल में जाएंगे, सम करेंगे, ऑर्डर के टेबल में हमारे पास प्रॉफिट का कॉलम होगा, अगर होगा तो वो आ जाएगा पी आर ओ एफ आई टी नज़र आ रहा है मुझे, मैं इसको यहाँ पे सम कर लेता हूँ। सिमिलरली सेल को भी सम कर लेते हैं, सेल को कैसे सम करेंगे, प्रॉफिट की जगह पे आपने सिर्फ सेल्स लिख देना है यहाँ पे। तो अगर सेल्स का कॉलम होगा तो वो आ जाएगा एस ए एल, आ भी रहा है, आपने क्लिक किया टोटल सेल आ गई। आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, यानी कि कितनी परसेंटेज है आपके प्रॉफिट की, आप प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स कर देंगे तो आपकी प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी, और ये मैं कर देता हूँ परसेंटेज में, और ये हम कर देते हैं डॉलर्स में। तो आप डेटा टाइप भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डॉलर्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आपने देखा कि आपके पास जो 4 इयर्स का डेटा है उसमें आपका प्रॉफिट जो है वो कुछ इतना है, 0.28 मिलियन है, जबकि आपका जो सेल है वो 2.2 मिलियन की सेल है आपकी, डॉलर्स में मैं बात कर रहा हूँ। आए मूव करते हैं और हम फर्दर एनालिसिस करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने डेटा को देखूँ सेगमेंट वाइज, कि फॉर एग्जाम्पल मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे किस सेगमेंट में ज़्यादा सेल होती है। तो हम किस तरह कर सकते हैं, हमारे पास ग्रुप करने के लिए प्राइवेट का ऑप्शन अवेलेबल है, आप इंसर्ट में जाएं, प्राइवेट टेबल पे क्लिक करें और आप न्यू वर्कशीट पे क्लिक कर दें। जब आप न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डाटा आ जाएगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ऑर्डर, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ मैं ईयर के डाटा को देखना चाहता हूँ, तो मैं ईयर के डाटा को फिल्टर में लेकर चले जाऊँगा और मैं यहाँ पे सिर्फ 2017 का अगर डाटा देखना चाहता हूँ या 2017 में मैं अपने सेगमेंट की परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। प्राइवेट में मैंने फिल्टर के अंदर सिर्फ ईयर्स डाल दिए। अब मैं रॉ में डाल देता हूँ सेगमेंट, तो हमारे पास सिर्फ टोटल 3 सेगमेंट्स हैं, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिस। इसमें मैं देखता हूँ कि मेरी सेल जो है वो कौन से सेगमेंट की सबसे ज़्यादा रही है। तो अगर आप देखेंगे कि कंज्यूमर सेगमेंट की सेल जो है वो सबसे ज़्यादा है, मैं इसको डॉलर में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से ये नज़र आए। तो आपके पास जो सबसे ज़्यादा सेल है वो आपकी कंज्यूमर सेगमेंट में। सिमिलरली मैं यही चाहता हूँ कि मैं इसको हमारे पास ऑर्डर के टेबल में कैटेगरी और सब कैटेगरी का भी कॉलम मैंने देखा था, दोबारा से देख लेते हैं यहाँ पे। देखें हमारे पास कैटेगरी भी है और सब कैटेगरी भी है। मैं ये चाहता हूँ कि कैटेगरी एंड सब कैटेगरी दोनों को मैं चेक कर सकूँ और ये बता सकूँ कि कौन सी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। हम दोबारा से जो है वो इंसर्ट करते हैं प्राइवेट टेबल को। अगर आप प्राइवेट टेबल चाहते हैं कि न्यू वर्कशीट में ना आए, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आए, तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट की लोकेशन दे दें। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जो शीट बनाई थी, इधर ही मैं इसकी लोकेशन दे देता हूँ, तो देखें ये प्राइवेट मेरा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि ईयर 2017 ही रहे, तो मैं ईयर्स को फिल्टर में डाल देता हूँ, इसको हम कर देते हैं 2017, इसको थोड़ा सा प्लॉट कर देते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है जब भी आप किसी भी बड़े स्टोर की एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे अपने पास कैटेगरी ले लेता हूँ रॉ में और सेल्स में ले लेता हूँ यहाँ पे। तो आपने देखा कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा जिस कैटेगरी में सेल हो रही है वो फर्नीचर है। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके शो वैल्यू एज एंड परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, तो
आपने देखा, सॉरी, सबसे ज्यादा जो सेल हमें बता रहा है वो हमें बता रहा है टेक्नोलॉजी में, जो कि 37% जो है वो सेल्स है। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इन सब की सब कैटेगरीज भी पता चल जाएंगे, इन कैटेगरीज में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है। तो आपने देखा कि हमारे पास फर्नीचर के अंदर जो सबसे ज्यादा सेलिंग आइटम है वो है चेयर्स, जबकि हमारे पास ऑफिस सप्लाईज में जो सबसे ज्यादा सेलिंग आइटम है वो है आपका 9.50 और ये 9.93। तो हमारे पास सबसे ज्यादा सेलिंग स्टोरेज की होती है और उसके बाद बाइंडर्स की होती है। एंड सिमिलरली अगर मैं फर्दर ड्रिल डाउन करूँ आपको पता चलेगा कि हमारे पास टेक्नोलॉजी में जो सबसे ज्यादा सेल होती है वो आपकी फोन्स में होती है। आए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम इसको अपने सेगमेंट्स को ईयर वाइज चेक करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे सिर्फ 2017 का चेक किया था। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको ईयरली चेक करूँ। कैसे चेक कर सकते हैं? ऑर्डर के कॉलम में दोबारा जाएं, इंसर्ट करें आप पाइवट टेबल को, पाइवट टेबल को न्यू शीट में आप इंसर्ट कर दें और उसके बाद आप ऑर्डर डेट को रॉ में कर दें। सॉरी, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ईयर जो है वो कॉलम्स में आ जाएं, इधर से हम उनको रिमूव कर देते हैं और सेगमेंट हमारे पास कॉलम में आ जाएं, रॉस में आ जाएं और हमारे पास सेल्स जो हैं वो हमारे पास उसकी वैल्यूज आ जाएं। इधर आप फिल्टर लगा दें, जो डेट आपको सही नहीं लग रही उसको आप रिमूव कर सकते हैं। मैं इन दो डेट्स को रिमूव कर देता हूँ, जबकि हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ईयर वाइज कितनी इंप्रूवमेंट आई है, मैं अगर उसको देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिफरेंस कर दूंगा और यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे ईयर वाइज चेक करना है। अगर मैं ईयर वाइज चेक करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 2000, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं, 2014 की जो कंज्यूमर की जो हमारे पास सेल्स थी और जो हमारी 2015 की है उसमें जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव 17% का, यानी कि 17% हमारी सेल्स इम्प्रूव हुई है। कॉरपोरेट की जो हमारी सेल्स 2014 में थी वो 14 से 15 में 25% इंक्रीमेंट आया है, जबकि हमारे पास होम ऑफिस में 16.14% जो है वो डिक्रीज आया है 2014 से 15 में। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट ईयर्स में मूव करें तो हमारे पास जो 2015 की सेल है और जो 2016 की सेल है उसमें 11.38% का इंक्रीज आया है, जबकि सबसे ज्यादा हमारे पास जो इंक्रीज आया है वो कॉरपोरेट में आया है, जो कि हमारे पास 60.85% का इंक्रीज आया है फ्रॉम दी 2015 टू 2016। एंड सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको सेल्स को दोबारा से करके कॉलम वाइज डिफरेंस भी दिखा सकता हूँ, किस तरीके से मैंने सेल्स को दोबारा से इधर ट्रैक कर लिया और मैंने कहा मुझे ईयर वाइज डिफरेंस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। तो आप देखेंगे कि जो हमारा 2014, इनका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, ये हम ईयर टू ईयर चेक कर रहे हैं, परसेंटेज परसेंटेज ईयर टू ईयर, और ये हम चेक, सॉरी इसको कैपिटल कर देते हैं हम, ये हमारी ईयर वाइज ये हमारे पास ईयर वाइज जो है वो चेंज हो रही है, और जबकि ये हमारे पास जो है वो परसेंटेज ऑफ टोटल की परसेंटेज आ रही है। ठीक है, तो आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो 2024 में कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो कंज्यूमर आइटम कर रहा है हमारी सेल्स में, जबकि हमारे पास 2015 में जो है वो भी कंज्यूमर कर रहा है। तो कंज्यूमर जो है वो हमारे जो आइटम्स हैं, सेगमेंट्स हैं, वो मोस्ट सेलिंग सेगमेंट है एवरी ईयर। जबकि आप अगर इधर देखें तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट आया है ईयर टू ईयर में वो हमारे पास आया है कॉर्पोरेट कैटेगरी में, तो आपने ये देखा। और सबसे ज्यादा जो चेंज आपको नजर आ रहा है पिछले साल के मुकाबले में वो भी 2016 में आपको नजर आ रहा है। तो हमने देखा कि हमने ईयर टू ईयर भी एनालिसिस किए हैं, हमने ईयर टू ईयर भी एनालिसिस किए हैं और हमने हमने ईयर टू ईयर भी एनालिसिस कर लिया और हम लोगों ने कैटेगरी वाइज भी जो है वो एनालिसिस परफॉर्म कर लिए। आए इसको फर्दर ड्रिल डाउन करते हैं और हम ये देखते हैं कि हम अगर इसको ईयर एंड क्वार्टर वाइज देखना चाहें तो वो हम कैसे देख सकते हैं। लेट्स मूव ऑन।
मैं ऑर्डर पे दोबारा जाऊंगा, इंसर्ट करूंगा पाइवट टेबल को, पाइवट टेबल को हम न्यू शीट में इंसर्ट करेंगे, ऑर्डर डेट को हम रॉस में ले लेंगे और हम अपने ऑर्डर आईडी ले लिया, इट शुड बी ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट को हम इधर ले लेंगे और यहाँ पे हम अपने सेल्स को ले लेंगे। तो आपने ये देखा कि हमारे पास, इसको यहाँ पे मैं फिल्टर आउट कर देता हूँ कुछ, आपने ये देखा हमारे पास जो सबसे ज़्यादा सेल है वो आपको कहाँ पे नज़र आ रही है, ये हम ग्राफिकली देखते हैं। ग्राफिकली किस तरह देखेंगे, जब आपके पास पीरियोडिक डाटा हो और पीरियोडिक डाटा के अंदर जो है, पीरियोडिक डाटा के अगेंस्ट अगर आपके पास जो है वो वैल्यूज़ हो, तो हम हमेशा लाइन चार्ट यूज़ करते हैं। मैं इंसर्ट में जाऊँगा, इंसर्ट में जाने के बाद मैं पाइवट चार्ट में जाऊँगा, पाइवट चार्ट में जाने के बाद मैं लाइन चार्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। जब मैं लाइन चार्ट को सिलेक्ट करूँगा तो कुछ मेरे पास इस तरह आएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो आप यहाँ से भी क्वार्टर वाइज भी डाटा देख सकते हैं और आप यहाँ से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखिए आपका डाटा जब एक्सपेंड होगा तो कुछ इस तरह से आएगा। अच्छा, अगर आप इस डाटा को थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि हर साल में क्वार्टर फोर में सबसे ज़्यादा सेल होती है। तो हमारे पास जो मोस्ट सेलिंग क्वार्टर होता है वो क्वार्टर फोर होता है, फॉर एवरी फोर इयर्स वी हैव सीन। ऑन द अदर साइड इफ वी सी दिस, द क्वार्टर वन इज द लीस्ट सेलिंग क्वार्टर, जो कि आप हर साल में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको सीजनैलिटी नज़र आ रही होगी। सीजनैलिटी का मतलब ये है कि आपको एक रिपीटेशन नज़र आ रही है पैटर्न की, जो कि एवरी ईयर्स हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द सीजनैलिटी। सीजनैलिटी का मतलब ये है कि ये कोई लीनियरली मूव नहीं कर रहा। अगर मैं लीनियरली आपको मूव दिखाऊं तो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऐड कर सकता हूँ जो आपको लीनियर दिखा रही होगी, लेकिन ये आपका जो डाटा है वो लीनियर नहीं है, इसमें सीजनल इफेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप इसमें मशीन लर्निंग परफॉर्म करेंगे तो आप लीनियर रिग्रेशन का मॉडल यूज़ नहीं कर सकते। आए हम अपने डेटा को थोड़ा सा और फर्दर आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि हम इसमें अपनी एवरेज ऑर्डर वैल्यू किस तरह निकाल सकते हैं। एवरेज ऑर्डर वैल्यू किसे किसे कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज कॉल्ड द एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ये हम किस तरह करेंगे, हम दोबारा ऑर्डर के टेबल पे जाते हैं। वैसे तो ये मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी कर सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ रॉज डिवाइड बाय टोटल सेल्स, तो हमारे पास एवरेज ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता, मैं आपको बताता हूँ। एक वे तो ये है कि आप इन सबको काउंट करें और इसका जो टोटल आंसर आ रहा है उससे डिवाइड कर दें तो आपके पास एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैं आपको एक और अच्छा तरीका, समझे कि ये आपकी ऑर्डर अमाउंट है या टोटल ऑर्डर वैल्यू है आपकी, यानी कि आपने इनवॉइस नंबर वन में कुछ इतने डॉलर की सेल की, ये आपके पास ऑर्डर वैल्यू आ गई। इसको हम डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं और इसके डेसिमल को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपकी इस इनवॉइस पे आपके ऑलमोस्ट 378 डॉलर की जो है वो सेल्स हुई है। आप इनको सम करें, डिवाइड बाय इसके काउंट से आप डिवाइड कर दें तो आपके पास एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ जाएगी। इसका एक आसान तरीका है, आप डेटा में जाएं, डेटा में जाके आप डेटा एनालिसिस टूल पैक को जो है वो क्लिक करें। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप फाइल में जाके ऑप्शंस में जाके, ऑप्शंस में जाने के बाद एडिंस में जाके, आप एडिंस में जाने के बाद आप इस चीज़ को, आप एनालिसिस टूल पैक को आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास अभी शो नहीं हो रहा। तो ये मैंने आपको बता दी, एनीवे मेरे पास अवेलेबल है, मैं इसको क्लिक करूँगा और मैं यहाँ जाके, मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है समरी स्टैटिस्टिक का या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास तो जिस तरीके से डाटा आएगा, मैं इसको रेंज बता दूंगा, रेंज मेरी क्या है, ऑब्वियसली मैं इस डाटा पे काम कर रहा हूँ तो ये मुझे कुछ समरी स्टैटिस्टिक दे देगा। मैं आउटपुट अपना कहाँ चाहता हूँ वो मैं इसको बता सकता हूँ। आउटपुट मैं चाहता हूँ लेट सपोज यहाँ पे, तो मैं अपना आउटपुट बता दूंगा तो ये मुझे यहाँ पे, और मैं समरी स्टैटिस्टिक पे क्लिक कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे आउटपुट दे देगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने शायद लेबल को क्लिक नहीं किया, लेबल को क्लिक, दोबारा से हम जाते हैं डेटा एनालिसिस पे, डेटा एनालिसिस में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम जो रॉ को कंसीडर कर रहे हैं विद द हेडर करते हैं ताकि हमारे पास हेडर का नाम भी आ जाए। तो मैंने ये हेडर के साथ कर दिया, लेबल इन फर्स्ट रॉ लिख दिया मैंने, आउटपुट रेंज बता दी और अब देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है।
तो देखिए हमारे पास है, अब हेडर भी आ रहा है, टोटल ऑर्डर वैल्यू आ रही है, जबकि आप देखें कि हमारे पास जो मीन निकाला है, मीन का मतलब क्या है, सम ऑफ दिस वैल्यू एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यू, तो ये आपके पास आ गई एक्चुअली, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये जो मीन वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू को, एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब ये है कि टोटल सेल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, जबकि आपके पास मीडियन भी दिखा रहा है, मोड भी दिखा रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिखा रहा है, मिनिमम मैक्सिमम काउंट कर्टोसिस स्क्यूनेस सब दिखा रहा है, ये हमें ये बता रहा है, स्क्यूनेस हमें ये बता रही है कि ये जो आपका जो चार्ट है और जो मीन है वो आपको बता रहा है कि अगर कहीं पे मोड जो है वो आपके पास सबसे स्मॉलर हो, उसके बाद आपके पास मीन हो, फिर आपके पास मीडियन हो, फिर मीन हो, तो इसका मतलब है कि ये आपका एक राइट स्क्यूड डाटा है। राइट स्क्यूड डाटा हम कैसे चेक कर सकते हैं, मैं कॉपी करता हूँ इधर आपके सामने, इस वैल्यू को हम कॉपी करते हैं क्योंकि ये हिस्टोग्राम यहाँ पे बन नहीं पाएगा, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। और मैं राइट स्क्यूड क्यों कह रहा हूँ आपको, आपके पास स्टेटस में डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड, क्योंकि जब जहाँ पे मोड सबसे कम है उसके बाद मीडियन फिर उससे लार्ज है और मीन सबसे लार्ज है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अगर आप ग्राफ बनाए ना बनाए ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपका जो पैटर्न है या जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइटली स्क्यूड है। मैं जाता हूँ इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने के बाद मैं हिस्टोग्राम को चूज करता हूँ, और देखिए मेरे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ आपके पास आ गया। इसमें मैं पिंस को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, फॉर्मेट एक्सेस में जाके हमारे पास 20 बिन्स कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे मैं ओवरफ्लो बिन्स और अंडरफ्लो बिन को कर लेता हूँ, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन मेरी अच्छी हो जाएगी। अब अगर आप इस डाटा को देखें थोड़ा सा, तो आपको नजर आ रहा होगा इसके बिन्स जो है वो नंबर ओवरफ्लो को मैंने कंसीडर नहीं किया था। चलें अब देखें, आपको पता चल रहा है राइट स्क्यूड क्यों कह रहा हूँ, राइट स्क्यूड का मतलब है जहाँ पे बॉडी आपकी लेफ्ट पे होती है और आपकी टेल जो है वो राइट पे होती है। अगर आप इस डाटा को देखें तो मोस्टली जो आपकी इनवॉइस है, ऑलमोस्ट 2643 इनवॉइसेस जो हैं, टोटल इनवॉइसेस आपकी थी 509, उसमें से 2643 इनवॉइसेस ऐसी हैं जिनकी जो सेलिंग प्राइस है वो $1 से लेके $175 तक है। लेकिन कुछ इनवॉइस ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 87 इनवॉइसेस ऐसी हैं जिनकी वैल्यू $3000 से अबव है। तो ये डाटा हमने इधर से भी देख के बता दिया था कि आपका डाटा जो है वो राइटली स्क्यूड है। अब आए हम फर्दर एनालिसिस की तरफ चलते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि हम सेंसिटिविटी एनालिसिस या सिनेरियो बिल्डिंग भी कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि आपके जो चेन है उसकी जो टोटल सेल है वो $100,000 है, और ये $100,000 कैसे हुई, आपकी तकरीबन जो इन्वेंट्री सेल्स के लिए अवेलेबल थी उस पर 80% जो है वो सेल हुई, 20% इन्वेंट्री अभी सेल नहीं हुई, और आपके स्टोर को रीजन वाइज जो है वो बोनस मिलता है एट द रेट ऑफ 2%, और ये बोनस यहाँ पे कैलकुलेटेड है। कैसे कैलकुलेट किया आपने, आपकी जो एनुअल सेल है और आपकी जो टर्नओवर हुआ है यानी कि इन्वेंट्री जो सेल हुई है वो 80% है, उसका 2%, कोई भी फॉर्मूला हो सकता है आपके बोनस का। सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है, सेंसिटिविटी एनालिसिस ये होता है कि लेट सपोज कि अगर आपकी सेल्स जो है वो चेंज हो जाए, आपकी सेल्स हो जाए 100 है, तो मैं इसको कर देता हूँ 150, और यहाँ पे हम कर देते हैं 200, और यहाँ पे हम परसेंटेज भी चेंज कर देते हैं, आपकी ओरिजिनली 80% पे आपको बोनस जो मिलेगा वो $1600 मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको आपसे कहूँ कि मुझे ये भी बताएं कि अगर डिफरेंट सिनेरियोज ले लेते हैं, और यहाँ पे हम कह देते हैं, लेट सपोज मैं आपसे ये कहूँ कि अगर हमारे पास 80% इन्वेंट्री सेल होती है इतनी सेल प्राइस में, तो आपका बोनस कितना बनेगा, आप कहेंगे 1600 बनेगा। मैं कहूँगा अच्छा, अगर आप 80% है और आप 80% इन्वेंट्री सेल होती है जो कि $150,000 में होती है, तो फिर आपकी कितनी होगी, एंड सिमिलरली डिफरेंट सिनेरियो। तो आपने ये टेबल आप किस तरह बना सकते हैं, इसको हम कहते हैं टू वे टेबल। आपने ये टेबल सेलेक्ट करना है,
आपने डेटा में जाना है, डेटा में जाके आपने वॉटिफ एनालिसिस में जाना है, आपने डेटा टेबल पे क्लिक करना है। डेटा टेबल में आपने रॉ में देखें आपके पास रॉस में क्या आ रही है, आपके पास रॉस में आपके पास क्या आ रहे हैं, सेल आ रही है, तो आपने ये सेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और आपने आपके जो कॉलम में आ रहा है वो क्या आ रही है, परसेंटेज, वो आपने परसेंटेज, इसको पता है कि ये चीज़ कैसे कैलकुलेट हुई है। सिर्फ आपने रॉ इनपुट बताना है जो कैलकुलेटेड फील्ड है उनके बारे में, कि आपने ये तीन वैल्यू देके ये बोनस कैलकुलेट किया था, उसमें से आपने यहाँ पे रॉ में क्या दिया हुआ है डॉलर्स, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपने टर्नओवर रेट दिया था। देखें ये खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। तो ये आपको एक्चुअली बता रहा है कि अगर आप इसको डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्चुअली ये आपको बता रहा है कि अगर आपने 80% टर्न ओवर किया एनुअल टर्न ओवर और $1,000 में आपकी सेल हुई तो आपका प्रॉफिट कुछ इतना बनेगा। सिमिलरली अगर आपने 80% टर्न ओवर किया और $150,000 में किया तो कुछ आपका इतना बोनस बनेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट डिफरेंट बोनसेस बना, दिस इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी एनालिसिस। अब आए हम सिनेरियो प्लानिंग करते हैं। सिनेरियो प्लानिंग किस तरह करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक प्रोडक्ट है जिसकी अभी की जो सेल है वो 2000 यूनिट्स की हुई है, जबकि रिटेल प्राइस उसकी $25 है, प्रॉफिट मार्जिन उसका 15% है, तो टोटल प्रॉफिट मुझे इतना मिल रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो टोटल प्रॉफिट मार्जिन है उसको आप $2,000 कर दो। तो कैसे करेंगे $2,000, और वो कितने यूनिट्स पे होगा $2,000? आप डाटा पे जाएंगे, आप वॉट इफ एनालिसिस करेंगे, गोल सीक करेंगे। गोल सीक में आप ये लिखेंगे कि आप इस वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, तो मैं इस वैल्यू पे क्लिक करूंगा, और इस वैल्यू को आप कितना करना चाहते हैं, इस वैल्यू को आप करना चाहते हैं $2,000। किस को चेंज करना है आपने, इस वैल्यू को चेंज करना है, तो इस वैल्यू को आप कितना चेंज करेंगे, इस वैल्यू को आप कितना चेंज करेंगे कि ये जो वैल्यू है ये $2,000 हो जाएगी, ये आपको गोल सीक से पता चल जाता है। दोबारा से आपने कहा मैं इस वैल्यू को सेट करना चाहता हूँ, उस पर आपने क्लिक किया, कितना सेट करना चाहते हैं, $2,000 करना चाहते हैं, किस वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हैं, तो मैंने कहा मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स में कितने सेल करूंगा कि मेरे पास $2,000 का जो है वो प्रॉफिट आना शुरू होगा। तो देखें ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। तो ये आपको बता रहा है कि आप 533 यूनिट्स अगर सेल करेंगे विद दिस रेट, अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 15% होता है तो आप $2,000 अर्न करने में कामयाब होंगे। दिस इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी एनालिसिस। मैं आपको एक छोटा सा रिकैप देता हूँ हमने क्या किया। हमारे पास 3 टेबल्स थे, ऑर्डर का टेबल था, प्यूपल का टेबल था और रिटर्न का टेबल था। इन तीनों टेबल को हमने कंबाइन किया और एक जगह पे कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने मिनिमम मैक्सिमम डेट देखी, हमने ये देखा कि हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल सेल्स कितनी है और प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ये हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने सेगमेंट वाइज सेल देखी और हमने कैटेगरी और सब कैटेगरी वाइज सेल देखी। उसके बाद हमने सेगमेंट को ईयरली देखा कि कितना हमने इम्प्रूव किया है ईयरली बेसिस पे, और कॉलम वाइज भी हमने उसकी परसेंटेज देखी। तो ईयर टू ईयर भी हमने देखा और परसेंटेज टू टोटल भी देखा। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास अगर हमने क्वार्टरली या हमारे पास ईयरली डाटा है तो हमारे पास हर क्वार्टर की कितनी सेल्स आ रही है, जिसको हमने ग्राफिकली प्रेजेंट भी किया। जब आपके पास पीरियडिक डाटा उसके अगेंस्ट वैल्यूज होती हैं तो आप लाइन चार्ट बनाते हैं। यहाँ पे क्वार्टर फोर जो है उसमें हमने सबसे ज़्यादा सेल करी है हर क्वार्टर फोर में, जबकि सबसे ज़्यादा सेल हमारी क्वार्टर वन में होती है हर एवरी ईयर। ये कोई लीनियर पैटर्न नहीं है, इसका मतलब है कि ये एक ऐसा पैटर्न है जो हर साल रिपीट होता है, जिसको हम सीजनैलिटी भी कहते हैं। फिर हमने ये देखा कि हम किस तरीके से जो है वो एवरेज ऑर्डर निकाल सकते हैं। एवरेज ऑर्डर का फॉर्मूला ये है कि टोटल सेल्स डिवाइड बाय टोटल ऑर्डर, तो वो एवरेज ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन ये हमने किस तरीके से किया, हमने जाके इसको डेटा एनालिसिस में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के थ्रू करा। उससे हमें ये पता चला कि ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिवली स्क्यूड कैसे पता चलता है, अगर आपका मोड सबसे कम हो, सबसे ज़्यादा आपका मीन हो, उससे कम मीडियन हो और उसके बाद सबसे कम मोड हो, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। इसका अगर आप रिवर्स कर देंगे तो वो नेगेटिवली स्क्यूड हो जाएगा। और जो दूसरी दो डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, जिसको हम सिंगल वर्ड में सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये मैंने आपको इस पहले को कॉपी पेस्ट किया, ग्राफ आपको दिखाया, तो आपने देखा कि आपका जो ग्राफ है वो राइट स्क्यूड है। राइट स्क्यूड का मतलब ये है कि उसकी बॉडी लेफ्ट पे होती है और उसकी टेल जो है वो राइट पे होती है। और ये आपको बता रहा होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो ज़्यादातर मिनिमम वैल्यू पे सेल हुई है, और कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो आपके पास हायर वैल्यू पे जो है वो सेल हुई है। ये एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है। फिर हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस देखा, जिसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास एनुअल सेल हो $100,000 की, जिसमें हमारी इन्वेंट्री
जो सेल आउट हुई है वो 80% हुई है टोटल इन्वेंट्री की। अगर आपके पास बोनस रेट 2% है तो आपका टोटल बोनस कितना होगा, ये हमने कैलकुलेट किया, देखें इस तरीके से। फिर मैंने आपको डिफरेंट सिनेरियो दिए और मैंने कहा अगर हमारे पास $150 की सेल हो और 80% हमारे पास टर्न आउट हो तो कितना हमारे पास बोनस आएगा। तो ये हमने किस तरीके से कैलकुलेट किया, ये हमारे पास होता है कि आप कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे मैंने किस तरह की, मैंने सिर्फ यहाँ से इसको कैच किया और मैंने डिफरेंट सिनेरियोज रोज एंड कॉलम में लिख दी। और मैंने क्या किया, इसको कहते हैं टू वे, आप वन वे भी कर सकते हैं। टू वे का मतलब है जिसमें कॉलम्स एंड रोज दोनों आपने इन्वॉल्व किए। फिर हम डेटा में गए, डेटा में जाने के बाद हमने व्हाट इफ एनालिसिस किया, व्हाट इफ एनालिसिस में हमने डेटा टेबल में गए, डेटा टेबल में आपने ये पूरा टेबल सिलेक्टेड होना चाहिए आपका इसको कॉल करने के लिए जितना आप फिल करना चाहते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास इनिशियल टेबल था, हम डाटा में गए, डाटा में जाने के बाद हमने व्हाट इफ एनालिसिस में डाटा टेबल को क्लिक किया, हमने बताया कि हमारे पास जो रॉस में आ रहा है वो डॉलर वैल्यूज हैं जबकि हमारे पास कॉलम में जो है हमारे पास वो परसेंटेज वैल्यू, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। सिमिलरली हमारे पास गोल सीक था, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी सेल को $3,000 करूं, तो $3,000 करने के लिए मुझे कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे। व्हाट इफ एनालिसिस में जाएं, गोल सीक में जाएं, आप कहें कि मैं इस वैल्यू को करना चाहता हूं $5,000 और मैं चेंज कितने यूनिट सेल करूंगा, तो वो आप क्लिक कर दें तो ये बताएगा कि $5,000 की सेल करने के लिए आपको 1,333 यूनिट सेल करने पड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन जो है, ये ट्रेनिंग जो है, ये पूरे सुपर स्टोर की चेन की एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। आप सिर्फ इसको एक ही कंडीशन में जो है वो लर्न कर सकते हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इसको प्रैक्टिस करें, कमेंट्स में आप हमसे सवाल पूछें। ये फाइल आपको वीडियो की ट्रेनिंग की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके कर लें। और हमारे व्हाट्सएप चैनल जहाँ पे हम थ्योरीज भी देते हैं उसको भी ज्वाइन कर लें, उसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मैं आपके साथ जो है वो और सीरीज लेकर आऊँगा जिसके थ्रू हम डेटा साइंस एंड AI परफॉर्म करेंगे। कीप कनेक्टेड, कीप स्प्रेडिंग दिस यू नो मैसेज टू एवरीवन, और अपने बेल आइकन को जो है वो क्लिक कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।